हजरत साहब के लिए, ससनीदा के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहती है। अपने खादम को कसरत की बरकतों से मामूर कर और तेरा नाम उनकी ज़िंदगी में और इज्जत और शलाल पाए मेरे बाबूदा। यीशु के नाम से तेरे खादम पास्टर शौकत फजल साहब के लिए, उनके मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहती। आज जब तेरा खादम बीमारों के लिए दुआ करे तो दे खुदावंदा आज तेरा पाक रूह यहाँ पर ठहर जाए। एक एक की बीमारी, दुख, तकलीफ, जितने भी परेशानियाँ लेकर आए हैं आज तेरे दर से खाली ना जाए बल्कि शिफा लेकर जाए और तेरा नाम इनकी ज़िंदगी में इज्जत और शलाल पाए मेरे पाखुदा। एक एक को चुना और बरकत मिला मसीह के नाम से, आमीन। आंखों खोलेंगे, हम दाऊद के साथ मिलकर परस्तिश करेंगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। खुदावन जिंदा खुदा इस जगह पर मौजूद है, जहाँ पर खुदा का रूह है मेरे शिशो उस जगह पर आजादी है। आजादी के साथ खुदावन की तारीफ करें, उसकी तमजीद करें और उसी के नाम को जलाल दें। हालेलुया। अपने हाथों का इस्तेमाल करें और गाएं मसीह के नाम को जलाल। Oh, yeah.
और गीत गाएंगे। फ्रेंड्स जल्दी से जरा टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप
कादोस कुदोस में बदफाश जिंदा खुदावन हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन तेरे नाम की हम दाते हैं तमशील दाते हैं चुके खुदावन को जो है अल्लाह पे शहे आसी में खुदावन आज के जब तेरा खरम हम सु तेरा खादम जब करम करे तो खुदावन वो ना भरे बल्कि तेरा पाक रूप खुदा उसमें से होकर भरे और खुदावन जितने भी खुदावन अजीज तेरे बेटे और बेटी जहाँ पे मौजूद है हर एक को खुदावन तू सुनने वाले काम और कबूल करने वाला दिल बख्श दे ताकि खुदावन आज का कलाम जो है हर एक जिंदगी में जड़ पकड़े और खुदावन एक कलाम तेरा जो है कभी बेतासी नहीं लौटता बल्कि खुदावन दिलों की बरकत जमीनों को सिराम करता है और तेरे कलाम की बरकत के वसीला से आज हर एक जिंदगी रिहाई पाए निशान पाए शिफा हासिल करे और तेरे कलाम की बरकत को अपनी जिंदगी में खुदावन देख जाए और खुदावन तेरे मंसूर को सर से लेकर और के तल होता खुदावन तेरे बड़े के लहू में डिप कर देते हैं और ज्यादा कष्ट के साथ अपने चिराग के लिए इस्तेमाल करना मसीह के नाम का वास्ता देकर मांगते हैं। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के साथ फसला मजबूत को दावत देने वो आए हैं और खुदा की आवाज आप तक मसीह यीशु के फतेहमंद और जलाली नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। वक्त दामनगीर है इसलिए सिर्फ 13-14 मिनट में हम अपने पैगाम को हम वाइंड अप करेंगे और हवाला नोट कर लीजिए, आप इस हवाले को घर में जाकर तलावत कर सकते हैं। दूसरा तवारी उसका 7वां बाब आप घर में जाकर तलावत करेंगे। मैं तशरी की तरफ आऊंगा, आज मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। कितनी बातें आपके सामने रखूंगा? 3 बातें रखूंगा। पहली बात वबा क्या है, दूसरी बात वबा इस दुनिया में क्यों आती है, और तीसरी बात जब वबा इस दुनिया में है तो हमने करना क्या है। तो पहली बात वबा क्या है, ऐसी बीमारी जो जानदारों के लिए उनकी जान का खतरा बन जाए उसे वबा कहते हैं। उर्दू जुबान में इसके लिए लफ्ज बला भी इस्तेमाल हुआ है, आफत भी इस्तेमाल हुआ है और मुसीबत भी इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी जुबान में इसके लिए पेस्टिलेंस भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पैंडेमिक भी इस्तेमाल हुआ है और प्लेग भी अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल ये है कि वबा इस दुनिया में क्यों आती है। तो पहली बार जब हम खुदा को बहुत गुस्सा दिलाते हैं उस वक्त वबा इस दुनिया में आती है। याद रखें इस पूरी कायनात का जो तख्लीककार है वो याद रखें खुदा है, और इस पूरी कायनात में एक पत्ता भी उसकी रजामंदी और उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। और अगर पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता तो कायनात में जो वबा है या पेस्टिलेंस है वो उसकी मर्जी और उसकी रजामंदी के बगैर इस दुनिया में नहीं आ सकती। याद रखिए कि कोरोना वायरस आज ये कोई नई वबा नहीं है, इससे पहले पैंडेमिक और एपिडेमिक्स 250 वबाएं आ चुकी हैं। और याद रखें जब भी इस दुनिया में वबाएं आई हैं, जब इंसानों ने खुदा को गुस्सा दिलाया है उस वक्त खुदा वबा भेजता है। और जब खुदा वबा भेजता है तो खुदा की भेजी हुई वबा के साथ हम लड़ सकते हैं? नहीं, हम नहीं लड़ सकते। अक्सर का चैनल्स में बताया जा रहा है कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। हम याद रखें वबा से नहीं लड़ सकते। तो हमारी स्टेटमेंट ये है कि हमने खुदा से डरना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। दूसरी बात, ये हमारे गुनाहों की सजा है। अहबार 26 वबा आप तलावत कर लीजिए। ये हमारे गुनाहों की सजा है। जब हमारे गुनाह अरूज पर पहुंच जाते हैं उस वक्त खुदा जो है वो वबा इस दुनिया में भेजता है। तीसरी बात, जब वबा है तो हमने क्या करना है, उसमें पहली बात यह है कि हमने अपने गुनाहों का एतराफ करना है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। दूसरा तवारीख उसके 7वें बाब में उसकी 13वीं से 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग
जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खादसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। याद रखें, गुनाहों से तोबा ये इस वबा से छुटकारे का वाहिद हल है। यहां पर एक बात करना चाहूंगा, एक मिसाल जहन में आ गई। एक गांव में एक ईमानदार चौधरी था, एक सरपंच था। उसके गांव में बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं हो रही थी, वो खुदा की हजूरी में झुका और उसने कहा, खुदा बारिश हो। खुदा ने कहा कि तेरे गांव के अंदर 5 अफराद ऐसे हैं जिससे मैं नाखुश हूं, लिहाजा उन 5 अफराद को कह के तौबा करें, उसके बाद मैं बारिश को नाजिल करूंगा। उसने, सरपंच ने तमाम गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। जब सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए तो उस चौधरी ने कहा कि यहां पर 5 अफराद ऐसे हैं जो नाखुश हैं, वो सामने आ जाए, वो अपने गुनाहों का इकरार करें। लिहाजा वो नदामत महसूस कर रहे थे, शर्म महसूस कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने मुनासिब न समझा कि लोगों के सामने जाए, लेकिन वहीं पर ही खड़े होकर उन्होंने कहा कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। अब जैसे ही उन्होंने तौबा की है, उसी टाइम बारिश होना शुरू हो गई। अब सरपंच ने जो ईमानदार था, जब खुदा की हुजूरी में गया तो कहने लगा, खुदा वो तो भी सामने में नहीं आए थे, अभी तो उन्होंने तौबा भी नहीं की थी, तो तूने बारिश बरसा दी। तो खुदा ने उससे कहा कि जरूरी नहीं कि इंसान उठ के इंसान के सामने अपने गुनाहों का इकरार करे। उन्होंने अपने दिल में मेरे से गुनाहों का इकरार किया, लिहाजा मैंने उन्हें माफ कर दिया, उनके साथ सुलह कर ली। अजीजों, याद रखें, बुढ़ी रुस जाए ना, सारी रात पसीने छुट जाते हैं मनाते हुए, ऐसे है कि नहीं? कितना अजीम रिश्ता है खुदा का कि पसीने भी नहीं छुट दे, सिर्फ घुटनिया के बल होके मुंह तो सिर्फ यह कहना है कि रब्बा मेरे गुनाह माफ कर दे, यीशु तेरे गुनाह माफ कर देगा। उस वेले सुना कोई थोलिया की भी लोड़ कौन नहीं, आंजे सुना, कोई तोहफे लिया की भी कोई जरूरत नहीं, आंजे सुना, सिर्फ मुंह तो कहना है कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मेरे यीशु के कोल, याद रखो, वो औरत आई जड़े ऐन वक्त गुनाह च फड़ी गई सी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, सलामत लौट जा, फिर गुनाह ना करना। मफलूज से क्या कहा? मफलूज से कहा, तेरे गुनाह माफ हो गए। आज अगर कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर अपने गुनाहों से माफी मांगेगा, खुदा उसी वक्त एक सेकंड के अंदर माफ करने की वो कुदरत रखता है। अगर मुफ्ती का तो बोल दे हालेलुया। दूसरी बात, डॉक्टरों की राय पर अमल करें। शरीयत में ये बात मरकूम थी कि जब किसी को वबा फूट निकले तो काहिन उसका मुआयना करे, काहिन उसको देखे, और मरीज और मरीजा दोनों के लिए हदायत काहिन जारी करता था कि क्या करना है। याद रखें, जरूरी है कि हम आज भी डॉक्टर्स की हदायत पर अमल करें, फिजिशियन और एक्सपर्ट्स की इंस्ट्रक्शंस पर हम जो है वो क्या करें, हम अमल करें। तीसरी बात, हिकमत को पसे पुष्ट ना डाला जाए। हिकमत क्या है? इल्म के मुताबिक अमल करना हिकमत है। हिकमत क्या है? जरा सारे बोले, इल्म के मुताबिक अमल करना हिकमत है। अब एक शख्स के बारे में जानते हैं, ये बदतमीज़ है, बद इखलाक है। अगर आप उस बदतमीज शख्स की तलख बात का पलट कर जवाब देते हैं तो याद रखें, यह हिकमत नहीं, यह हमाकत है। लेकिन अगर आप खामोश रहते हैं तो ये क्या है? ये हिकमत है। याद रखें, इल्म हमें है, हमें इल्म दे दिया गया है चैनल्स के जरिए, हमें डॉक्टर इल्म दे रहे हैं कि हाथ ना मिलाया जाए, बगल गिर ना हुआ जाए, लोहे को ना छुआ जाए, लकड़ी के जरिए ये वायरस ट्रांसफर हो रहा है। लिहाजा इल्म होने के बावजूद भी अगर हम अमल नहीं करते तो ये हिकमत नहीं, ये हमाकत है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर हिकमत है तो जरूरी है कि आप इल्म को अमल में लेके आए। अगर मुझे तो बहुत दिखा ले लोहिया, बहुत दिखा ले लोहिया। लिखा है, रूह से चलो और अकल से भी चलो। और याद रखे, इल्म और हिकमत के खजाने खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पोशीदा है। अगर मुझे तो बहुत दिखा ले लोहिया।
अगली बात, वबाई अलामतें मत छुपाएं, इन सिम्टम्स को छुपाया ना जाए। शरीयत में ये कहा गया था कि अगर किसी को वबा फूट निकले तो काहिन को दिखाया जाए। आज अलामतें छुपाई जा रही हैं, आज सिम्टम्स छुपाए जा रहे हैं। और याद रखें, अगर आप अलामतें छुपा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वबा को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपको मालूम होता था कि एक सिम्टम जो वबा से मुतल्लिक है, आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर को जानते, यीशु कभी भी मना नहीं करता। अद्वियात इस्तेमाल करने से यीशु मना नहीं करता, वो विटामिन की टैबलेट लेने से खुदा मना नहीं करता। अक्सर उकात एक अम्मा, उसने कई गीत सुन लिया, यीशु को उन्होंने शिफा मासा पा लिया, दवाइयां नहीं खा लिया। अम्मा ने दवाई खानी चल दी, क्या दवाई बनाने के लिए हिकमत क्या मेरे यीशु ने नहीं दी? क्या डॉक्टर्स को यीशु ने खड़ा नहीं किया? याद रखे, यीशु मसीह ने ही इनको खड़ा किया है। इसलिए बादशाह को जब फोड़े निकल आए थे तो कैसे ट्रीटमेंट की गई थी? अंजीर के और टिक्कियां बांधी गई थी, दवाई इस्तेमाल की गई। मैं एक सामरी की मिसाल हमारे सामने है। हाँ, वो जब राह में जख्मी शख्स पड़ा हुआ था, सबसे पहले क्या किया आपके सामरी ने? हाँ, तेल और मैल लगाकर उसका जख्म बांधा, मेडिसिन खाने से, दवाई खाने से। याद रखें, कभी भी खुदा उनके सूसी मना नहीं करता। याद रखें, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं दवाई खानी, नई दवाई खानी, तो सुन ले, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा था कि बीमार को तबीब दरकार है, बीमार को तबीब दरकार है। अगर मुझे कहो बोल दे हालेलुया, बोल दे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात, नकल हरकत बंद कर दी जाए। यशायाह 26वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक गजब टल ना जाए। आज देखें, आज भी बाजार ईद का मंजर दिखा रहे हैं, आज भी बाजार भरे पड़े हैं, जगह जगह लोग खड़े हैं, हाथ मिलाया जा रहा है, बगल गिर हो रहे हैं। और याद रखें, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो याद रखें, ये हिकमत नहीं, ये हवाकत है। ईमान के नाम पर बेवकूफियां मत कीजिए। बहुत से लोग हैं जो ईमान के नाम पर बेवकूफियां कर रहे हैं। इस तरह की इडियोटिक हरकतें मत कीजिए। जब तक मुसीबत के अंजाम हैं, याद रखे, जरूर है कि हम नकलो हरकत बंद कर दें। कोई गल, अगर थोड़ी देर वास्ते इस्लामाबाद की गति नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। अगर आपके सफर करने से बाइबल मना करती है, अगर सफर करने से ये जो वबा है ये फैल रही है, तो हमने रोकना है इसको। अगर मुझे तो बोल दिखा ले, होशियार बना को लेकर छिप जाता है। छठी बात, वबा का शिकार होने वालों को अलग रखा जाए। अहबार 13वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जब काहिन को पता चल जाता कि इसे वबा फूट निकली है, तो उसे 7 दिन के लिए आइसोलेट कर देता था। तो भाई साहब ऐसा ही, अगर वो देखता कि अभी वबा वहीं पर है तो मुद्दत बढ़ा भी देता था। आज अपने अजीजों को आइसोलेट करने से लोग जो है वो परेशान है कि आइसोलेट नहीं करना। लेकिन ये बाइबल का पैटर्न है, ये बाइबल का मेथड है। अगर आपके किसी अजीज को आइसोलेट किया जा रहा है तो याद रखें, मत रोके, उन्हें आइसोलेट होने दें। इससे आप भी बचेंगे, आपका खानदान भी बचेगा, आपके मोहल्लेदार भी बचेंगे। अगर मुझे हालेलुया। आखिरी बात, वबा का शिकार होने वालों की मदद करनी है। लिखा है, जो करते हो जी से करो, और ये जान कर करो कि किसके लिए करते हो, खुदा के लिए, खुदावन के लिए करते हो। जरूर है कि जो शिकार है कोरोना वायरस का, हम दिलो जान से उनकी मदद करें। और आखिरी बात, जिस्मानी तकलीफ खुदा के जलाल के लिए है। अगर किसी को वबा हो जाए तो ये मत कहें, उस पर उंगलियां उठाएं, इधर तो खुदा का कहर आ गया, शायद इन्हें गुनाह की तासीर। याद रखो, ओ अन्ना जरा पैदाइशी अन्ना सी, सवाल किया गया ना कि एदा गुनाह सी, इन्हें मापे का गुनाह सी। तो क्या कहा गया था, मसीह ने क्या कहा था, ना एदा गुनाह ना एदे मापे का गुनाह। ऐसली है कि ताकि खुदा का जलाल जाहिर होवे। ऐवी ना किसी को कोरोना में कि तुम उंगलियां चुकी जाओ खुदा को दूंगे, और तेरी दुआ करो, और तेरी दुआ करनी है। अगर मुझे को तो बोल दो हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा कलाम, जोरदार तालियां।
खुदा के खादिम के लिए भी और पाक कलाम के लिए भी। अब आपकी शुक्रगुजारियां खुदा उनके सुरे में गुजरा देंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। बेटी मनाहिल आएंगी और प्रस्तुत करेंगी। प्रेज़ हालेलुया। अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया करें और मिलकर गीत गाया करें। हालेलुया। खुदा खुशी से दोबारा को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो खुदावन ने हम सब के लिए इनायत किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन को ना देख सकें। सुबह होते ही वो खुदावन के पास चले आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मुबारक हैं। आपको खुदावन ने वक्त दिया ताकि आप तौबा करें, उसकी हजूरी में चुकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। कितने लोगों ने कलाम के वसीला से बरकत पाई है। भाई ये जोरदार तालियां कलाम मुकद्दस के लिए, पाता हरूर साहब के लिए, बहुत ज़्यादा बरकत है। पासा हरूर साहब मनाहिल के फ्लोसिंग है, मनाहिल के लिए भी, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, अच्छे वर्षों के लिए भी। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से और ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोल को उसके मसा से भर कर खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। और कल शाम खुदा के खादम आप फादर नदीम फ्रांसिस साहब खुदाओं में सो गए हैं,
उनके सारे गमजदा खानदान के लिए हम दुआ करेंगे। कैथलिक डिनोमिनेशंस के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी, हार कॉलोनी के अंदर भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी और फिर सेंट मेरी के अंदर, और कल शाम वो खुदा में सो गए, आज उनका जनाजा भी है। उनके सारे ख़ानदान के लिए हम बरकत चाहेंगे ताकि खुदा कैथलिक डिनोमिनेशन को तसल्ली और तशफ़ी का रूह इनायत करें, और फादर मोरस जलाल के लिए जो कि बहुत ज़्यादा खिदमत करती है उनके लिए हम और ज़्यादा बरकत चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ मिलकर खिदमत करते हैं और बहुत ज़्यादा खुदा का कलाम पेश करते हैं। उनके सारे लोगों के लिए तमाम फादर साहबान के लिए हम बरकत चाहेंगे। और रात को एक पहली बहन अनफी, क्या नाम था उनका, अभी तो रात को सिस्टर सो गई है, बहन समीना जो कि बहार कॉलोनी के अंदर रहती हैं, अचानक उनके कोई दर्द हुई है, दो दिन पहले हल्का सा फीवर था और तकरीबन को रात 1 बजे हॉस्पिटल लेकर गई हैं। पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई, रात वो भी खुदा उनमें सो गई हैं। सो उनके सारे ख़ानदान के लिए भी हम दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जानते हैं कि वक्त का एक लम्हे का पता नहीं है कि कब इंसान की ज़िंदगी की शाम हो जाए, लेकिन जो वक्त मिलता है उसमें खुश रहा करें, खुदावंद के नाम को जलाल दिया करें, क्योंकि जो वक्त गुजर जाते हैं वो फिर हाथ नहीं आता गुजरा हुआ वक्त। बासफ हम कहते हैं कि पहला वक्त बड़ा अच्छा सी, कल का दिन बड़ा अच्छा सी, परसों बहुत अच्छा सी, हम गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं, लेकिन मेरे से सब जो दिन मिलता है उसके अंदर शादमान हुआ करें, खुदावंद के नाम को जलाल दिया करें। भाई अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा, तमाम खादम खादमाएँ आगे आ जाएं, जितने भी फेसबुक के ज़रिया से यूट्यूब के ज़रिया से देख रहे हैं आप सबको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आइए मेरे अज़ीज़ो ईमान के साथ अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए, अगर आपकी ख्वाहिश है आपकी दिल की मुराद है तो ईमान के साथ अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिए। हम आप सब के लिए बरकत चाहेंगे, तो सबसे पहले हम फादर नदीम फ्रांसिस साहब के लिए, उनके सारे गमजदा खानदान के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आइए सब अपने हाथों को उठाइए, एक लम्हा के लिए उनके सारे गमजदा खानदान के लिए, कैथलिक डिनोमिनेशन के लिए हम बरकत चाहेंगे, जो कि सुकर गम के अंदर है उनके लिए बरकत चाहें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा मैं तेरा खादम होने के नाते से खुदा, जबकि तेरे खादम सीनियर पासर फजल साहब, हमारी सारी आईसी टीवी की टीम खादमीन खुदा, तेरे खादम फादर नदीम फ्रांसिस साहब के लिए जिनको तूने अपने वादा के मुताबिक खुदा इस दुनिया से उठा लिया खुदा, अगरचे तेरे बेटे की बहुत बड़ी खिदमत थी खुदा, लेकिन देख खुदा तूने हर इंसान की उम्र की हद को मुकर्रर किया खुदा, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो उसको अपने पास बुला लेता है। बहन समीना के लिए भी जिसके देख खुदा पहले शोहर को तूने अपने पास बुला लिया, अब खुद देख खुदा तेरी बंदी भी तेरे पास आ चुकी है, उनके बच्चों के लिए जो इस वक्त गम के अंदर है खुदा, तुझसे तसल्ली और शक्ति के रूह को मांगते हैं खुदा, और भी जितने गमजदा खानदान है हम तेरे खास मसा को चाहते हैं, और इस वक्त ये खुदा अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो बड़ी आज से इनके सारी फ्रोतनी के साथ तेरे पास आए, तेरी हर सुनी में चुके सांसरे के पांव के तले का खुदा, इन तेरे प्यारों के लिए तेरे खास मसा को चाहते हैं अभी, और इस जहां जहां पर खुदा तेरे बेटे और बेटियों ने अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रखा है, तो हम तेरी खास बरकत चाहते हैं खुदा, कभी और इस वक्त तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे, और ये तेरे नाम में फता पाए, जो भी इनके बदलों में
बीमारियां खुदा मुकम्मल तौर पर जाती है खुदा, तेरा पाकरो फता से पढ़कर कर बात आ करें। अगर चूंकि जिनकी विशेष है दिल की मुरादे हैं, इरादे सोचे ख्याल मनसूबे हैं, सो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं खुदा कि तू अपने नाम को जलाल देना। इसी तरह खुदा आज इन सारी एप्लीकेशन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगर जो कुछ भी इन सारी प्रेयर टेस्ट के अंदर लिखा गया खुदा तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। इन एप्लीकेशन के वसीला से तेरा पाकरो अंचलानी काम करे। अगर जो बहुत सारे लोग खुदा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट है, सीरियस हालत में है, बहुत सारे लोग खुदा कोरोना वायरस में मुब्तला है खुदा, हम उनके लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। अगर खुदा बेटे डैनी की बर्थडे लिखकर पेश किया गया उसके लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। और जितने फेसबुक के जरिए से यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। मेरी बहन यास्मीन गिल के लिए जो कि अमेरिका से देख रही है उनको बरकत देते हैं। मेरी बहन शरणी निजाज की फैमिली के लिए जो कि अमेरिका से देख रहे हैं, मिसेस मनी आपका के लिए जो कि यूके से देख रही है उनके बच्चों को फैमिली को बरकत देते हैं। शाइस्ता नजीर के लिए जो साउथ कोरिया से देख रही है पापुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं पापुदा। बहन खुशी नसीम के लिए जो इटली से देख रही है खुदा तो अपनी बेटी को अच्छी बरकत दे। बहन नरगिस के लिए जो कि जर्मनी से है खुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। मेरे भाई खुरम के लिए जो कि मलेशिया से देख रहे हैं खुदा तो अपने बेटे को अच्छी बरकत दे। निम्रा रूफस के लिए खुदा जो कि बैंकॉक से देख रही है, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। मेरी बहन सीमलाल फैमिली के लिए जो कि थाईलैंड से देख रहे हैं, बहन गजल के लिए जो कि थाईलैंड से देख रही है, सिल्विया के लिए, आयशा के लिए जो कि थाईलैंड से देख रहे हैं पापुदा, बहन अनिला यकूब के लिए जो दुबई से देख रहे हैं खुदा, और भी जितने बैरून मुल्कों से है खुदा, पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखने वाले तमाम बेटे बेटियों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जो जो भी लिख कर तेरी हुजूरी में पेश किया गया फेसबुक के जरिए से यूट्यूब के जरिए से तो हम सारे खादम मिलकर इन तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। अपने स्प्रे सेंटर के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। इंटरनल चर्च के लिए, आईसी टीवी के लिए, इंटरनल टीवी के लिए, हमारा पाकिस्तान टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। अपने सीनियर पास्टर रफजल साहब के लिए, उनके मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपनी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। फजल फैमिली के लिए और अपनी टीम के एक सारे खादमों के लिए जो रात दिन यहाँ पर लोगों के लिए दुआ करते हैं, इंतजामिया के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सर्स के लिए, मुन्ने भाई के लिए जो साउंड अपडेट करते हैं पापुदा, तेरे भाई पासारून साहब के लिए खादम ने आते जिंदा कलाम को बयान किया, चर्च के लिए, क्रिसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, दाऊद के लिए, मनाहिर के लिए जिन्होंने वर्षप की खुदा, सारी टीम के लिए जो बहन गली में सिक्योरिटी का काम करते हैं, इंतजामिया का बहने काम करती है, उनको बरकत देते हैं। मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। और खास पर का जो टीम खुदा ट्रेन का हादसा हुआ खुदा और तकरीबन 20 सिख भाई खुदा जो कुछ में सो गए पेशावर में, उनके सारे गम सदा खानदानों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगर देव खुदा फ्लू का बाद में ये सानिया पेश आया, हम उनके सारे गम सदा खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। उनके पाकिस्तान की सारी नॉमिनेशन के लिए, तमाम फादर से बात के लिए, तमाम पास्टर से बात के लिए, तमाम बिशप से बात के लिए, एल्डर से बात के लिए, डीकन्स के लिए, मुबशिरों के लिए, एवेंजलिस्ट्स के लिए, सिस्टर्स के लिए हम अपनी बरकत चाहते हैं। और जितने भी खिदमत करते हैं उन सब के घरानों के लिए, खानदानों के लिए तेरे मस्सा को चाहते हैं। और आज की सारी इबादत के लिए हम तेरे
तेरा शुक्रिया अदा करते ईमान रखते कि जो कुछ मांगा तूने आसमान को खोल कर इनायत किया मसीह के नाम से आमीन। आए दोनों हाथों को उठाए मिलकर बोलेंगे ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हमारे आज में दे तू भी हमारे दुश्मनों को माफ कर हमें समाइश मिला बल्कि बड़ा सच्चा तेरी बादशाही रुद्र जवाब रहो आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा पाक की मोहब्बत पाकों की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ दुनिया के तमाम कैसीन के साथ बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम खानदानों के साथ और जितने फेसबुक के जरिए से यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं उन सब के घरानों के साथ खानदानों के साथ अब से लेकर तक होती रहे आमीन। बाप और बेटे प्रभु कुछ के नाम में आमीन। नसीब आप सबको सलाम सलामती के साथ जाइए गॉड ब्लेस यू ऑल अपना कार्य किएगा इजाजत दीजिएगा फिर मिलेंगे वही लव पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।